न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन का बल्ला आग उगल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केन विलियमसन ने टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ा है। केन विलियमसन ने पहली पारी में 118 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में केन 109 रन बनाकर आउट हुए। इतना ही नहीं, केन विलियमसन ने पिछली 10 टेस्ट पारियों में से 6 में शतक लगाए हैं। इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के चलते केन विलियमसन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हो गए हैं। हालांकि चोटिल होने की वजह से केन विलियमसन को कुछ समय तक बाहर रहना पड़ा। टेस्ट मैचों में 2020 के बाद से ही केन विलियमसन फेब फॉर में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पिछली 10 टेस्ट पारियों की बात करें तो केन विलियमसन ने 132, 121, 215, 104, 11, 13, 11, 118 और 109 रन के स्कोर बनाए हैं। पिछली 10 पारियों में केन का बल्ला जब भी 13 रन से आगे बढ़ा है तो वह शतक ही लगाने में कामयाब रहे हैं। यह क्रिकेट में बिल्कुल असाधारण रिकॉर्ड है। केन विलियमसन ने अब तक 97 टेस्ट मैचों की 170 पारियों में 55.13 की शानदार औसत से 8,490 रन बनाए हैं। केन विलियमसन टेस्ट में 31 शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा केन विलियमसन ने 33 अर्धशतक भी लगाए हैं। 6 बार केन विलियमसन टेस्ट में दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 511 का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने फॉलोनन देने की बजाय दोबारा बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। अब दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट गंवाकर 179 रन बना लिए हैं। इस तरह से न्यूजीलैंड के पास 528 रन की बढ़त हो चुकी है। मैच में अभी 2 दिन का खेल बाकी है।